एवरीवन, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन ट्रांसलेट। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं लगभग 1 घंटे जिम में वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता करता हूँ। मैं आमतौर पर नाश्ते में सैंडविच खाता हूँ और जूस पीता हूँ। मैं अपने घर से सुबह 9 बजे अपने कार्यालय के लिए निकलता हूँ। मैं 10 से 5 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ। मैं दोपहर 2 बजे लंच करता हूँ। मैं शाम 5 बजे ऑफिस से निकल जाता हूँ। अपने घर पहुँचने के बाद मैं अपना चेहरा धोता हूँ, फिर मैं टीवी देखता हूँ और 1 कप चाय पीता हूँ। मैं रात 8 बजे अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। मैं अपने रात के खाने में हमेशा चावल, दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ। कुछ समय बाद मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं सोने से पहले अपने दांत ब्रश करता हूँ और मैं रात 11 बजे सोता हूँ। ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। ये वीक डेज का है, तो चलो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वीक डेज का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, राइट? और वीकेंड्स का मतलब होता है सैटरडे एंड संडे, जो वीक का एंड वाला डे होता है। पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस कहें, इस पे लिखा होता है, लिखा है पूरा पैराग्राफ। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम अपने बारे में बता रहे होते हैं तो आई सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और जिसमें हम अपनी आदत ही बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलो अब ट्रांसलेट स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैं मतलब आई, गेटअप मतलब उठना। यहाँ पे समय से पहले हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। फिर मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। फिर मतलब देन, आई मतलब मैं, मेक मतलब बनाना, माई बेड मतलब अपना बिस्तर, तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा देन आई मेक माई बेड। उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ। उसके बाद को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर डेट, गो मतलब जाना, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट? तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आफ्टर डेट आई गो टू द वॉशरूम। मैं लगभग 1 घंटे जिम में वर्कआउट करता हूँ। आई मतलब मैं, वर्कआउट इन द जिम। यहाँ पे इन प्रपोजिशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जिम के अंदर, राइट, अंदर ही वर्कआउट कर रहे हैं। अराउंड मतलब लगभग, यहाँ पे एन आवर, हम यहाँ पे आवर प्रोनाउंस कर रहे हैं जिसमें एस साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे वॉवेल साउंड आने के वजह से एन आर्टिकल का यूज करें। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई वर्क आउट इन द जिम अराउंड एन आवर। फिर मैं नहाता हूं, देन आई टेक अ बाथ, यू कैन से देन आई टेक अ शावर। फिर मैं अपना नाश्ता करता हूं, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह के नाश्ता, माई मतलब अपना, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनेगा देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। मैं आमतौर पर नाश्ते में सैंडविच खाता हूँ और जूस पीता हूँ। आई मतलब मैं, यूजुअली मतलब कि आमतौर पर, ईट मतलब कि खाना, और ड्रिंक मतलब पीना, और इन माई ब्रेकफास्ट मतलब मेरे ही नाश्ते में। तो कंप्लीट यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई यूजुअली ईट सैंडविच एंड ड्रिंक अ जूस इन माई ब्रेकफास्ट। मैं अपने घर से सुबह 9 बजे अपने कार्यालय के लिए निकलता हूँ। लीव मतलब होता है निकलना, माई होम मतलब अपने ही घर से, टू मतलब कि के लिए, माई ऑफिस मतलब अपने कार्यालय के लिए। तो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई लीव माई होम एट 9 AM टू माई ऑफिस। आई लीव माई होम एट 9 AM टू माई ऑफिस। मैं 10 से 5 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ। वर्क मतलब काम ही करना होता है, राइट?
इन द ऑफिस मतलब ऑफिस के अंदर हम काम कर रहे हैं फ्रॉम कितने बजे से, 10 बजे से 5 बजे तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 to 5। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई वर्क इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। मैं दोपहर 2 बजे लंच करता हूँ। आई टेक अ लंच एट 2 PM। मैं शाम 5 बजे ऑफिस से निकल जाता हूँ। गेट ऑफ मतलब होता है निकल जाना, माई ऑफिस मतलब अपने ऑफिस से। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई गेट ऑफ माई ऑफिस एट 5 PM। अपने घर पहुंचने के बाद मैं अपना चेहरा धोता हूँ। आफ्टर मतलब बाद में, रीच मतलब पहुंचना, माई होम मतलब अपना घर, वॉश मतलब धोना और फेस मतलब कंप्लीट कहेंगे यहाँ पे सेंटेंस जो बनेगा आफ्टर रीच माई होम आई वॉश माई फेस, अपना चेहरा धोना। फिर मैं टीवी देखता हूँ और एक कप चाय पीता हूँ। फिर मतलब देन आई वॉच, यहाँ पे वॉच सब इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को फोकस करके देखते हैं तब हम वॉच का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे टीवी के लिए वॉच यूज करेंगे। ड्रिंक मतलब पीना, कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय। देन आई वॉच अ टीवी एंड ड्रिंक कप ऑफ टी। मैं रात 8 बजे अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। आई टेक अ डिनर, डिनर मतलब रात का खाना, विथ माई फैमिली, विथ मतलब साथ में, माई फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ, राइट। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई टेक डिनर एट 8 PM विथ माई फैमिली। मैं अपने रात के खाने में हमेशा चावल दाल रोटी और सब्जी खाता हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा, ईट मतलब खाना, राइस मतलब कि चावल, पल्स मतलब दाल, चपाती मतलब रोटी, वेजिटेबल मतलब सब्जी। इन माई डिनर, डिनर मतलब रात का खाना। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज ईट राइस पल्स चपाती एंड वेजिटेबल इन माई डिनर। कुछ समय बाद मैं किताबें पढ़ता हूँ। कुछ समय बाद को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर सम टाइम। आई मतलब मैं, रीड मतलब कि पढ़ना, बुक्स एस यूज किया गया है राइट, क्योंकि किताबें हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आफ्टर सम टाइम आई रीड बुक्स। मैं सोने से पहले अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, टीथ मतलब दांतें, बिफोर गो टू बेड मतलब बेड में जाने से पहले, या फिर आप ये भी कह सकते हैं बिफोर स्लीप सोने से पहले आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। मैं रात 11 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 11 PM। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।